प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, मन मेरे आन बसो। सभी भजन के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इकट्ठे वही बोल सुन रहे हैं, लेकिन हरेक के मन के भाव और भावना अलग अलग हैं। ये एक दूसरे के मन की बात नहीं जानते, लेकिन मैं आपको इनके मन की बात सुना सकता हूं, क्योंकि मैं अनुभव हूं। हे ईश्वर, हम पर कृपा करो, आपके आशीर्वाद से हमें बेटे का सुख मिले। प्रभु, वह पड़ोस वाली जमीन मिल जाए तो दो टोकरी आम चढ़ाऊंगा। हे भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो। मैंने आपके लिए 16 सोमवार के व्रत किए और आपने मुझे ऐसा पति और सास दी, पूरी दुनिया में कोई और नहीं मिला मेरे लिए। कोई फरियाद कर रहा है, कोई नाराज है, और कोई तो ईश्वर से प्यार भरा सौदा कर रहा है, लेकिन इन सब में एक मन है जो अधिकार से उसे पुकार रहा है। मैं तो केवल तुमको ही मानूं। कान्हा, आप कब तक मुझसे दूर रहेंगे? क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंचती? मैं आपकी गोपी हूं, मेरा तन मन धन सब कुछ आपका है। मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो, मुझे अपना बना लो प्रभु। भगवान तो हर बच्चे के दिल की बात सुनता है, लेकिन जो उसे प्यार से याद करते हैं उस पर खुद को न्योछावर कर देते हैं, उनके लिए तो भगवान भी बंधायमान है। सिंध हैदराबाद के अति प्रसिद्ध दादा आशाराम के परिवार में जन्मी गोपी बचपन से ही भक्ति, दान पुण्य और सेवा में मग्न रहती थी। कुशाग्र बुद्धि, व्यवहारिकता और दूरदर्शिता की धनी गोपी का विवाह छोटी उम्र में ही सिंध के अति धनाढ्य परिवार में हुआ। ये बताओ गोपी, तुझे कपड़े सिलने की क्या जरूरत है? तेरी तो हर इच्छा बिना मांगे पूरी करता है तेरा परिवार। कमल, मुझे खुद की कमाई से दान करना अच्छा लगता है। वैसे तो परिवार वाले दान पुण्य के लिए कभी मना नहीं करते, लेकिन खुद के कमाए हुए धन से की हुई सेवा का सुख कुछ और ही होता है, और शायद ऐसा करने से भगवान जल्दी मिल जाए। बात तो सही है, पर तुझे सच में लगता है तुझे भगवान मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? गोपिकाओं को कान्हा मिले तो मुझे प्रभु क्यों नहीं मिलेंगे? मन में अगर संपूर्ण निश्चय हो तो भटकती नाव को मांझी मिल ही जाता है। ये जो तुम्हें दिखाई देता है, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा शरीर है। शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो प्रकाश है, वो तुम हो। गोपी को बाबा के माथे पर लाइट का चक्र घूमता हुआ दिखाई दिया। वो ट्रांस में नहीं थी, खुली आंखों से उन्हें लाइट दिखाई दे रही थी और वो परमात्मा के प्यार में
खो गई। ओ बच्ची, आज जो सुना वो कैसा लगा? बाबा, समझ कुछ नहीं आया, लेकिन बहुत शांति मिली। बच्ची, ऐसा करो, कल से तुम एक हफ्ते तक रोज ज्ञान सुनो, समझ आने लगेगा। लेकिन बाबा, मैं गुरु नहीं कर सकती। मैंने सुना है कि पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही गुरु होता है। बच्ची, आपको गुरु करने को कौन कह रहा है? आपको तो ज्ञान सुनने आना है, खुद को पहचानना है, परमात्मा को पहचानना है। वैसे भी परमात्मा तो सखा भी होता है ना बच्ची? परमात्मा तो सखा भी होता है ना? बाबा के ये शब्द सुनकर गोपी तो खुशी में गदगद हो गई। अगले दिन से ही गोपी रोज जाने लगी। बाबा ने खुद उन्हें आत्मा की पहचान, परमात्मा का परिचय, स्थूल जगत और परमधाम निराकारी दुनिया की समझ दी। एक दिन बाबा ने कहा, गोपी बच्ची, निराकार परमात्मा हम सबको ज्ञान अमृत पिलाकर पतित से पावन बनाने आए हैं। काम विकार तो नरक का द्वार है बच्ची, तुम तो समझदार बच्ची हो, तुम्हारा क्या कहना है? बाबा, मैं तो परमात्मा की सच्ची सच्ची गोपिका हूँ। मैं आज से ही पवित्रता का व्रत लेती हूँ। पवित्रता के व्रत के कारण गोपी के पति के साथ झगड़े होने लगे। एक दो बार तो पति ने उसे मारा भी, लेकिन गोपी तो प्रभु के प्रेम में मग्न, हर विघ्न और अत्याचार का सामना करती रही। एक दिन उनके पति ने उनकी तरफ ग्लास फेंका और गोपी के सर पर गहरी चोट लग गई। उस दिन गोपी की मां रुक्मणी ने गोपी को वापस बुला लिया, लेकिन लोगों ने परिवार वालों को इतना भड़काया कि गोपी के दादा आशाराम जी ने गोपी का ओम मंडली में जाना बंद करवा दिया। लेकिन भगवान की गोपी को कौन रोक सकता था? गोपी घर छोड़ परिवार धन संपत्ति सब को त्याग कर ओम मंडली में चली गई। बाबा ने गोपी, उनकी मां जिन्हें यज्ञ में क्वीन मदर बुलाते थे, और बहन के लिए ओम मंडली के सामने एक मकान किराए पर लेकर दिया। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आश्रय दिया। ना बच्ची ना, शिव बाबा का शुक्रिया है। ये बाबा तो बस उसके हुकुम पर चलता है। बाबा, क्या हम यहाँ पर 8-10 सिलाई की मशीन लगा सकते हैं? अच्छा बच्ची, वो क्यों? बाबा, ताकि जो बहनें घर वालों से तंग होकर आती हैं, स्वनिर्भर बनना चाहती हैं, मैं उनको सिलाई सिखा सकूं। जिनको बंधन है वह यहाँ आकर सिलाई भी सीखेंगे और परमात्मा की मुरली भी सुनेंगे। वाह बच्ची, आप तो बहुत समझदार हो। देखते ही देखते कई बांधेली माताएं, बहनें और भाई भी गोपी के पास सिलाई सीखने लगे और उसे दीदी दीदी कहने लगे। आगे चलकर परमात्मा ने गोपी को दिव्य नाम दिया, मनमोहिनी। ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी संपत्ति
8 बहनों की ट्रस्ट बनाकर समर्पित कर दी, जिनमें एक दीदी मनमोहिनी थी। बच्चे, इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी आप सब पर है। ओम राधे, आप इसकी प्रमुख होंगी। जी बाबा। और हाँ बच्ची, आप दीदी मनमोहिनी से राय सलाह करती रहना। हाँ जी बाबा। दीदी मनमोहिनी मम्मा की मुख्य सलाहकार तो थी ही, साथ ही पूरे यज्ञ के स्टोर का ख्याल रखने वाली मुख्य कंट्रोलर थी। बाबा और मम्मा को दीदी की परिपक्व स्थिति पर अटूट विश्वास था। ज्ञान योग की एक्यूरेट धारणा दीदी की विशेषता थी। एक बार दीदी ने देखा कि दादी चांद की कुछ परेशान लग रही थी। क्या बात है सखी, शकल ऐसी क्यों बना रखी है? मुझे लगता है कहीं मेरा पुरुषार्थ बाकियों से पीछे ना रह जाए। यह पुरुषार्थ पुरुषार्थ कह के क्या शकल बन गई है? ऐसे थोड़ी करना होता है पुरुषार्थ। फिर कैसे करना होता है? मिठड़ी, खुशी वाला पुरुषार्थ करो, चिंता वाला नहीं। ऐसा पुरुषार्थ हो जिसे देख दूसरों को भी करने का मन करे। पुरुषार्थ का पहाड़ बना दिया तो कौन उसे चढ़ना चाहेगा? हंसी कुड़ी, खेल खेल में पुरुषार्थ करो। दीदी, लेकिन भगवान के साथ हंसी खेल कैसे करूंगी? वो तो भगवान है ना। मिठड़ी, भगवान तो है लेकिन सखा भी तो है, सर्व संबंध है ना। सखा रूप में उसे याद करके तो देखो कितना मीठा सुख मिलता है। दीदी की इस मधुर शिक्षा ने ही दादी जानकी को भगवान के साथ सखा रूप से संबंध जोड़ना सिखाया। दादी जानकी ने आगे चलकर कंपेनियन ऑफ गॉड नाम की किताब भी लिखी, जिसकी प्रेरणा भी उन्हें दीदी से मिली थी। दीदी निश्चय बुद्धि और निर्भयता की मिसाल थी। एक बार बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, शिव बाबा आज कहते हैं कुएं में कूद जाओ, कोई है कुएं में कूदने को तैयार? बच्ची, तुम तो पास हो गई, लेकिन बाप भी भला कभी बच्चों को डूबने को कहेगा क्या? बाबा, मैं तो परमात्मा की गोपी हूँ, वह जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसी तैयारी को देखकर बाबा ने दीदी पर यज्ञ इतिहास की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंप दी। देश के विभाजन के बाद 1950 में ओम मंडली के 400 भाई बहनों को कराची से भारत स्थानांतरित करना था, लेकिन कहां ये किसी को नहीं मालूम था। बच्ची, आप भारत जाओ और यज्ञ के लिए उचित स्थान ढूंढो। दो बातों का ध्यान रखना बच्ची, एक तो बाबा के इन फूल जैसे बच्चों पर दुनिया वालों की कुदृष्टि ना पड़े, ऐसा स्थान हो, और दूसरी बात सारे बच्चे एक ही छत के नीचे रह सकें, इसका ध्यान रखना। हाँ जी बाबा। ब्रह्मा बाबा को दीदी मनमोहिनी पर संपूर्ण विश्वास था, क्योंकि दीदी ने अनेकों बार अपनी काबिलियत और शक्तिशाली स्थिति प्रत्यक्ष की थी। दीदी ने भारत में अपने रिश्तेदारों के सहयोग से अनेक मकान देखे, लेकिन एक भी मकान बाबा की कही दोनों बातों प्रमाण नहीं था। अहमदाबाद में जब वो अपने लौकिक भाई के साथ उनके गुरु स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज से मिली, तो ब्रह्मा बाबा और आप सब बहनें तो तपस्वी हैं, आप माउंट आबू जाकर देखिए, वहां हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों ने
गहन तपस्या की है। भूमि सात्विक है, कई राजाओं की कोठियां हैं वहां, वो स्थान उत्तम रहेगा आपके लिए। माउंट आबू में कई सारी कोठियां देखने के बाद भी दीदी को कोई जगह नहीं मिली जो संगठन के लिए सही थी। जब वो वापस जाने लगी तो ड्राइवर ने कहा, बहन जी इतने मकान देख लिए आपने, आखिर आपको चाहिए क्या? एक ऐसी जगह जहां हम 400 लोग साथ में रह सकें, जहां दुनिया का शोर ना हो और हम तपस्या कर सकें। एक जगह है, वहां ले चलता हूं आपको, शायद आपका काम बन जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने हम बच्चों के लिए इतनी अच्छी जगह ढूंढी है। शुक्रिया भैया, आपने भगवान के काम में सहयोग दिया है। 5 मई 1950 को ओम मंडली का संगठन आबू पहुंच गया। जरा सोचिए, 400 लोगों की जिम्मेदारी और केवल एक दीदी के निर्णय पर बाबा ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया होगा? बाबा को दीदी की परखने और निर्णय शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। दीदी खुद जितनी धारणा मूर्त थी, यज्ञ के हर बच्चे को उतना ही धारणा युक्त बनाने का पुरुषार्थ करती थी। यज्ञ में जब सेवाएं शुरू हुईं, तो दीदी ने ही पहले पहले दिल्ली, इलाहाबाद, ग्वालियर आदि स्थानों पर जाकर धारणाओं की क्लास करा के हर एक को मजबूत बनाया। एक बार दीदी ग्वालियर में कुछ लोगों से मिल रही थी। दीदी, एक माता आपसे मिलना चाहती है, लेकिन थोड़ा संकोच कर रही है। दीदी से मिलने में संकोच कैसा? मुट्ठी उन्हें प्यार से ले आओ। बोलो सखी, क्या पूछना था? दीदी जी, मैंने यहाँ आकर नया जीवन पाया है। शिव बाबा के प्यार का असीम सुख अनुभव कर रही हूँ। सब कुछ ही बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन... लेकिन क्या सखी? यहाँ आने से पहले मैंने गुरु किया था। मुझे उनके पास बहुत अच्छा लगता था। उनके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, इसलिए मैंने उनका यह लॉकेट पहना है। क्या यहाँ आने से मुझे यह लॉकेट उतारना पड़ेगा? सखी, आप तो बड़ी भोली हो, इसलिए भोलानाथ भगवान आपको इतना प्यार करते हैं। आपकी गुरुजी के प्रति श्रद्धा है, आप लॉकेट पहने रखो। लेकिन ज्ञान से खुद को वंचित नहीं करना, क्योंकि परम गुरु परमात्मा निराकार शिव बाबा खुद ज्ञान सुना रहे हैं। कोई भी सोच चले तो उसमें अटकना नहीं, उलझना नहीं। सदा याद रखना, कोई भी विचार अगर हमारी बुद्धि को परमात्मा की याद से दूर करता है तो वह माया है, उस पर विजय प्राप्त करो। समझा? दीदी, व्यर्थ और माया की पहचान हरेक को एक्यूरेट करवाती थी, और इसका एकमात्र कारण था दीदी की पढ़ाई में एक्यूरेसी। क्लास में सदा ही डायरी, पेन और चश्मा लेकर बाबा के आने से पहले पहुंच जाती थी। मुरलिका दिन भर में मनन चिंतन करती और ज्ञान की पॉइंट्स में से कई सवाल जवाब
निकालती थी। सारा दिन में जो भी मिलने आते, दीदी उनसे मुरली के प्रश्न पूछती और फिर कोई और बात करती। आज भी मुरली में प्रश्न उत्तर धारणा के लिए सार जो आता है वो दीदी ने ही शुरू करवाया था। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी मधुबन में ही रहकर बाबा का राइट हैंड बनकर यज्ञ का सारा कारोबार संभालने लगी। बच्ची, अभी जैसे बाबा की उंगली पकड़कर चल रही हो, ऐसे ही भविष्य में सतयुग के पहले राजकुमार की उंगली पकड़ उसे चलना सिखाओगी, ये निश्चय है? हाँ जी बाबा, यह मेरा भाग्य है। ड्रामा में इतना वंडरफुल पार्ट मिला है, संपूर्ण निश्चय है, और साथ साथ पुरुषार्थ भी कर रही हूँ। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद शिव बाबा ने दीदी और दादी की जोड़ी को यज्ञ संभालने के निमित्त बनाया। परमात्मा शिव बाबा ने ये बात सबको पक्की कराई कि विश्व परिवर्तन का कार्य परमात्मा खुद करा रहे हैं। बच्चों को निमित्त बनाकर यज्ञ भी चलेगा और सेवाएं भी होंगी। शिव बाबा ने कहा, दादी प्रकाशमणि माइक है और दीदी मनमोहिनी माइट है। माइट शक्ति आती कहां से है? परमात्मा और उनके कर्तव्यों से। जिसका सच्चा प्रेम है वो शक्ति स्वरूप बन जाते हैं और अपने संग से दूसरों को भी बनाते हैं। एक बार दीदी ने दो बहनों को काफी देर तक एक ही जगह पर बैठे बातें करते देखा। उसमें से एक ने दीदी को देखा तो वहां से उठकर चली गई। मेरी मीठी सखी, क्या बातें कर रही थी तुम दोनों? दीदी, हम रूह-रेहान कर रहे थे। अच्छा, कौन सी पॉइंट पर? जरा मुझे भी सुनाओ। दीदी, आपको तो सब आता है, हम तो बस यूं ही ज्ञान की बातचीत कर रहे थे। दीदी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुट्ठी, ज्ञान की बातचीत होती तो सुनाने में हिचक नहीं आती। हमेशा याद रखना, किसी को भी सखी तो बनाओ लेकिन सहेली मत बनाओ। मतलब? सहेली वह जो इधर उधर की बातें करे, गपशप करे, और सखी मतलब वह जो ज्ञान मुरली का मनन करे, उनके पॉइंट्स पर चिंतन और चर्चा करे। समझी सखी? संग के रंग से व्यर्थ संकल्प ना चलें, इसकी संभाल दीदी ने खुद भी की और दूसरों को भी अटेंशन दिलाया। एक बार दो कुमार दीदी से मिल रहे थे। दोनों की प्रभु प्रेम की लगन देखकर दीदी ने उनसे कहा, राजू भाई, आप बाबा के यज्ञ में समर्पित होना चाहेंगे? जी दीदी, बाबा को ही अब सब कुछ समर्पित है। अच्छा, और आप रमेश भाई? दीदी, मैं तो निर्बंधन हूँ, समर्पित होना चाहता हूँ, लेकिन आप जैसा कहेंगे। अच्छा, समर्पित तो हो जाओगे लेकिन यहाँ माया बहुत आएगी, उसका क्या करोगे? माया? दीदी, यज्ञ के अंदर कैसी माया? संगठन में संग से भी माया आ सकती है। तीन बातों का ध्यान रखना। पहली बात, अगर यज्ञ में कोई रह रहा है लेकिन दिल से सेवा नहीं कर रहा है, बोझ समझकर चलता है, बहानेबाजी करता है, ऐसे के संग में बैठोगे तो रंग लग जाएगा। दूसरी बात,
अगर कोई सेवा बहुत करता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता, अमृत वेले योग नहीं करता, मुरली क्लास नहीं करता है, तो ऐसे के संग से दूर रहो, क्योंकि वह सेवाधारी है लेकिन योगी नहीं। और तीसरी बात, ऐसा संग जो कभी किसी बड़ों की निंदा करता है, मुरली की करेक्शन करता हो, बाबा के बारे में, यज्ञ के बारे में या बड़ों के बारे में उल्टा सीधा सोचता हो, ऐसे पर निंदक का संग नहीं करना। दीदी जी शुक्रिया, मैंने ये तीनों बातें जीवन भर के लिए गांठ बांध ली हैं। दीदी आप हमारे बड़े हो, माया आई तो पहले उसे आपका सामना करना पड़ेगा, और आपको देखते हुए हम भी उस पर जीत पाना सीख लेंगे। मुबारक हो, इस बात पर बाबा की टोली खाओ। ज्ञान की गुह्यता को कोई सरल करके सिखा दे तो स्व परिवर्तन की यात्रा पर चलना सहज हो जाता है। दीदी ने ही मधुबन में भट्टियां, टीचर्स ट्रेनिंग और शिविर शुरू करवाए, जो आज तक बाबा के बच्चों को मधुबन तपस्या भूमि से जोड़कर रखते हैं। देखो, बाबा कहते हैं कि बाबा का एक एक कुमार कमाल करने वाला है। आप सब कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा कुमार तो बहुत हैं। सफेद ड्रेस और बैज पहन लिया, बन गए ब्रह्मा कुमार। आप सिर्फ ब्रह्मा कुमार नहीं, अब तपस्वी कुमार बनो। तपस्या क्या है? एक बाबा दूसरा न कोई, कहीं पर भी तुम्हारी आंख न जाए। कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी गुणवान हो, लेकिन उसको बनाने वाला कौन? बोलो शिव बाबा। तो सदा याद रखना कि मैं तपस्वी कुमार हूं। बाबा, मैं तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही को अपने दिल का हाल सुनाऊं, ऐसा अभ्यास करो। दीदी, आज जो आपने कुमारों की क्लास कराई थी उसकी रिकॉर्डिंग एक भाई मांग रहा है, दे दूं ने? रिकॉर्डिंग नहीं देना, क्लास के समय जो पॉइंट अच्छी लगी वह धारण करे। लेकिन दीदी वो बहुत जिद कर रहा है, कहता है कि दीदी की क्लास बहुत अच्छी लगी, उसे बार बार सुनना है और दूसरों को भी सुनाना है। अरे मुठ्ठा, क्लास में अभी यही तो बताया कि एक शिव बाबा से ही सुनो और एक उसी को सुनाओ। फिर हम कुछ ऐसा क्यों करें जिससे मनुष्य आत्मा में बुद्धि अटक जाए? उसे बाबा की मुरली टेप में भरकर दे दो। मेरे किसी भी कर्म से अगर बाबा नहीं बल्कि मैं दिखाई देती हूं तो उस कर्म का बोझ मुझ पर चढ़ेगा। इतना ख्याल रखती थी दीदी, और सबका बुद्धि योग बाबा से जोड़ देती थी। दीदी न खुद मनमत पर चलती, न दूसरों को चलने देती थी। देखो, इस यज्ञ में धन कैसे आता है? कोई माता घर खर्च में से एक एक पाई जमा करती है, कोई बांधेली माता खुद पर खर्चा न कर अपनी पूंजी भेजती है, कोई छोटा सा कुमार अपनी पॉकेट मनी में से बचाकर भेजता है। यज्ञ में आने वाले एक एक पैसे में त्याग है, तपस्या है, बाबा के लिए प्यार है। हमें एक एक पाई का सम्मान करना चाहिए। आप सब अलग अलग अपने लौकिक घरों में पत्र भेजते हैं या खर्चा होता है। अगर एक जगह के आसपास वाले अपनी चिट्ठियां एक ही लिफाफे में एक ही सेंटर के नाम पर भेजें, एक ही स्टैंप में काम हो जाएगा। आपके घर वाले आपकी चिट्ठी लेने शिव बाबा के सेंटर जाएंगे, मुरली सुनेंगे, टोली खाएंगे, इसमें उनकी भी उन्नति होगी। ठीक है ना? पसंद है? हाँ।
एक परमात्मा पर समर्पित एक नामी और इकोनॉमी से यज्ञ को संभालने वाली दीदी दादी जैसे कि दो हंसों की जोड़ी जो एक दूसरे की राय के बगैर कोई कदम नहीं उठाती थी। दोनों ने संगठन को इतना मजबूत किया कि धीरे धीरे देश विदेश के अनेक बच्चे मधुबन आने लगे। ओम शांति दीदी। दीदी ये सिस्टर मोरीन है। दीदी सिस्टर मोरीन को शक्तिशाली दृष्टि देती रही। सिस्टर मोरीन को अशरीरीपन का अनुभव होने लगा। उन्हें लगा जैसे अनेक जन्मों के बोझ पल भर में उतर गए। दीदी ने कहा, मोरीन नहीं मोरनी, तुम बाबा की मोरनी हो। यू आर नॉट मोरीन, यू आर मोरनी मीन्स पीहन, गॉड्स पीहन। मोरनी, आई एम बाबाज मोरनी। आई इंग्लिश बुद्धू, तुम हिंदी बुद्धू, लेकिन आत्मा आत्मा सखी फ्रेंड। ओके प्रभु प्रेम में डूबी हुई दीदी कितनी सहजता से हरेक को प्रभु प्रेम में रंग देती थी। हर रोज मुरली के बाद दीदी भी बाबा की तरह सभी पत्रों के जवाब देती। सारे जवाब लिखकर ही दीदी नाश्ता करती थी। पत्र में इनलैंड के पहले हिस्से में मुरली के पॉइंट्स लिखती, फिर सेवा की बात लिखती थी। दीदी को जो भी किसी के बारे में कुछ याद आता था वो उसको नोट करती थी। पत्र लिखते हुए वो नोट्स को सामने रख उनकी विशेषताएं लिख उनमें बल भरती और प्यार भरी शिक्षा और राय भी देती थी। दादी और दीदी अक्सर टीचर बहनों से मिलकर उनसे सेवा समाचार सुनती थी। दीदी वो सेवा समाचार सब सेंटर्स पर भेजकर निर्देश देती कि सभी भाई बहनों को सुनाओ और आगे भेजो ताकि सबको सेवा करने की प्रेरणा मिले। एक बार टीचर्स से मिलते हुए दादी ने कहा, पुष्पा बहन आप भी सेवा समाचार सुनाओ। दादी जी मैंने कोई विशेष सेवा नहीं की है, अभी मैं सीख रही हूँ। मुट्ठी तुम बहुत अच्छी सेवा करती हो। दीदी मैंने? हाँ सखी तुम, क्योंकि तुमसे बड़े निश्चिंत रहते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। सुनो सखियों, सेवा तो शिव बाबा ही कराते हैं, सेवा तो हुई ही पड़ी है, लेकिन सेवाओं के दौरान एक दो के संग में आते हुए खुद के संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने की सेवा, यह सेवा हमें खुद करनी है। अगर आप अपने मन की स्थिति की जिम्मेवारी लो तो यह है सच्ची सेवा। दीदी ने हमेशा सेवा से पहले अटेंशन स्थिति पर खिंचवाया, क्योंकि स्थिति से ही तो सेवा होती है। दीदी सखी बन खेल खेल में ऊंची शिक्षाएं समझा देती और मां बनकर शक्तिशाली पालना करती। दीदी को बचपन से ही चलने में तकलीफ थी, तकलीफ के बावजूद वो सीढ़ी चढ़कर दादी चंद्रमणि से मिलने पहुंच गई, जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी। दीदी को देखकर उनकी आधी बीमारी ठीक हो गई। चंद्रमणि बहन कैसी हो आप? दीदी कुछ दिनों से मुझे तेज बुखार है और दर्द भी बहुत है। मीठी बहन
कभी यह मत कहना कि मुझे बुखार है। कहो, मेरे शरीर को बुखार और दर्द है। हम सब तो अति इंद्रिय सुख में हैं। ममता मई दीदी ने उनके माथे पर हाथ फेरा तो जैसे सारा दर्द खींच लिया। एक एक की पर्सनल देखभाल, उनकी संभाल, कभी पिकनिक करना तो कभी रास, कभी क्रिकेट खेलना तो कभी बैडमिंटन। दीदी हरेक को ज्ञान, योग और पालना से बहलाती रहती। रोज शाम को स्व पुरुषार्थ की कचहरी भी लगाती। कभी कभी भंडारे का काम ज्यादा हो तो कचहरी के दौरान ही हरेक से सब्जी कटवा लेती। दीदी तीव्र पुरुषार्थी थी। उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य सदा याद रहता था। अगर कोई व्यर्थ बात करता तो कहती, भाई छोड़ो ना इन सब बातों को, अपनी शक्ति और समय व्यर्थ में ना गवाओ, शिव बाबा को याद करो। अब घर जाना है। अब घर जाना है, ये दीदी का महामंत्र बन गया। चाहे किसी से पर्सनल मिल रही हो या क्लास करा रही हो, दीदी बार बार याद दिलाती, अब घर जाना है। एक बार चिटचैट के दौरान किसी ने पूछ लिया, दीदी इतनी जल्दी थोड़े ही घर जाना है, अभी तो कितनी सेवा बाकी है। देखो बहन, सेवा शिव बाबा कराते हैं, वह तो समय अनुसार होनी ही है। उसमें हम आत्माओं का कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है। हमारा पुरुषार्थ तो नष्टो मोहा बनने का है। हमें चेक करना चाहिए कहीं हम में कोई मोह तो नहीं। कई बार सेवा का, स्थान आदि का मोह हो जाता है। लोगों से मोह तो आसानी से खत्म हो जाता है, लेकिन सेवा का मोह भी रॉयल मोह है। लोहे की जंजीरें टूट जाती है, लेकिन पता ही नहीं पड़ता कब सुनहरी धागों से बंध जाते हैं। दीदी इस सूक्ष्म मोह से कैसे मुक्त हो? बाबा ने नष्टो मोहा बनने की समझानी हमें दी है, लेकिन हमें धारणा में लानी है। अगर मैं आत्मा यह याद रखूं कि मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, घर तो मेरा परम धाम है, अब मुझे कर्मों के हिसाब किताब चुकतू कर घर वापस जाना है। कोई नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। घर जाना है याद रहेगा तो इस दुनिया के कोई भी आकर्षण नहीं खींचेगी। घर याद रहेगा तो घर में रहने वाला मीठा शिव बाबा भी याद रहेगा। हम इस दुनिया में सिर्फ सेवा अर्थ हैं, स्व अर्थ नहीं। तो फिर इस दुनिया से कोई इच्छा नहीं, स्व अर्थ कुछ नहीं चाहिए। नष्टो मोहा सहज बन जाएंगे। इसलिए बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, तो हमेशा याद रखना है अब घर जाना है। एक दिन सुबह अमृत वेले दीदी को हल्का सा चक्कर आया और चोट लगने पर खून निकल आया। डॉक्टर ने बताया कि दीदी को ब्रेन में क्लॉट है। डॉक्टर भगवती ने बहुत प्यार से दीदी का इलाज किया, जैसे कि अपनी मां का इलाज कर रहे हों। दीदी जी कैसी हैं आप? डॉक्टर भाई, आप तो मेरे शरीर का इलाज कर रहे हैं, मैं आत्मा तो सदा शिव बाबा की याद के झूले में मौज में हूं। दीदी सभी डॉक्टर्स और नर्सेस को शिव बाबा का परिचय दे परमात्मा को याद करना सिखाती। दीदी का कमरा हॉस्पिटल नहीं, आश्रम बन गया था।
जिसमें योग के वाइब्रेशंस और सारा दिन सेवा की बातें थी। चलिए दीदी जी, आपका ऑपरेशन थिएटर में चलने का समय हो गया। बहन, पहले आप बताओ, आपको शिव बाबा याद है? याद है ना? अब घर जाना है। इस विश्व नाटक रंगमंच पर हर आत्मा का विशेष पार्ट है, और ये तो परमात्मा की गोपी थी। सर्जरी के कुछ दिन बाद 28 जुलाई 1983 को दीदी मनमोहिनी ने अपने पुराने देह को त्याग दिया और आत्मा पंछी अपनी अगली सेवा पर उड़ चली। मैं तो सबके मन को जानता हूं, संकल्प चल रहे थे, दीदी ऐसे कैसे चली गई? बाबा ने दीदी के निमित्त विशेष संदेश दिया। जो हुआ बहुत ही रासों से भरा हुआ ड्रामा हुआ, आप सबको दीदी पीढ़ी और दीदी को सेवा पीढ़ी इसलिए सेवा ने अपने तरफ खींच लिया। न भगवती का दोष है न भगवान का, ये तो ड्रामा का रास है, इसलिए कोई संकल्प नहीं करना। दीदी ने अपने जाने में भी सभी को शिक्षा दे दी कि ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, ये पक्का करा दिया। मैंने दीदी के हर क्षण को महसूस किया है, मैं अनुभव हूं, इसलिए आप सब से आज यही कहूंगा, दीदी की तरह परमात्मा के साथी बनकर और सब बातों से साक्षी होकर अपनी स्थिति को परिपक्व बनाओ, क्योंकि सच्चाई तो यही है, अब घर जाना है। निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए सीखिए राजयोग मेडिटेशन। 7 दिन सिर्फ 1 घंटा रोज आप ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर पर राजयोग निशुल्क सीख सकते हैं। अपने नजदीकी सेंटर का एड्रेस जानने के लिए या मेडिटेशन ऑनलाइन सीखने के लिए
आप हमें ईमेल करें contact@awakeningtv.in या कॉल करें 8209333033 या 8209888988 पर।